हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आज हम करते हैं क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नेम टिप टिपवा। तो चलिए देखते हैं ये टिप टिपवा क्या है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। अब पहले आप मुझे ये बताओ बच्चों, आप में से कौन कौन रात को सोने से पहले कहानियाँ सुनता है? अपनी मम्मा से, पापा से, दादी मम्मा से, दादू से? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मीन्स लगातार। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप, इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाएं? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो बुढ़िया ने खींच कर उस बच्चे को क्या बोला जो अपनी दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए लेटा था? उसने बोला, अरे बेटा, मैं आपको क्या कहानी सुनाऊँ, ये टिप टिपवा से जान बचे। टिप टिपवा क्या था? जो झोंपड़ी से पानी टपक रहा था, उसको बुढ़िया ने टिप टिपवा कहा था। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेर से डर, ना बगवा से डर, डर ता डर टिपवा का डर। तो दादी ने उसको कहा कि उन्हें शेर से भी नहीं डर और ना ही चीते से डर लगता है, लेकिन टिप टिपवा से डर लगता है। संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया का बात सुनते ही वह डर गया। अब ये टिप टिपवा कौन सी बुला है? ये जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही जहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी होता है वॉशरमैन, जो कपड़ों की धुलाई करता है। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वह बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की ही उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। जच गई मीन्स पसंद आ गई। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। मोटा लट क्या होता है? मोटा डंडा। लट मीन्स डंडा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए कि वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गए पूछने? अरे जाकर ढूंढो उसे किसी गड़ी पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आप देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लट परसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है,
मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचते हुए घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुँच कर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। खुली की खुली मीन्स वो हैरान रह गए। तो बच्चों, आपको जो कैसी लगी स्टोरी टिप टिपवा, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।